हेलो डियो, वेलकम टू केसल कैंपस। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के सेक्शन में बढ़ते हुए आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर को लेके यहाँ पे, रोटेशन इन फ्लूइड मोशन। तो रोटेशन इन फ्लूइड मोशन चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि वोर्टिसिटी, सर्कुलेशन, ये सबको भी डिस्कस करेंगे, और रोटेशनल क्या होता है, रोटेशनल मोशन, तो ये सब भी डिस्कस करेंगे। तो आपको एक चीज़ पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन एलिप्टिकल पाथ, तो उसके साथ साथ स्पिन भी करते हुए रिवॉल्व करते हैं। तो उसी तरीके से फ्लूइड फ्लो होती है, तो बाउंड्री लेयर के इनसाइड में रोटेशनल मोशन के साथ जो है रोटेट करते हुए कि क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज जिस डायरेक्शन में जो विस्कोसिटी की वैल्यू है या फिर विस्कस स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस जो लगता है, तो ग्रेटर लगता है उस डायरेक्शन में ये रोटेट होती रहती हैं, उसके साथ ये फ्लो करती हैं इनसाइड द बाउंड्री लेयर। क्यों ये आता है? ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, और विस्कोसिटी पता ही है रियल फ्लूइड्स में हमेशा विस्कस ही होते हैं। आइडियल फ्लूइड की बात करें तो विस्कस उसमें मान लेते हैं कि विस्कोसिटी जीरो है तो उसको नॉन विस्कस मान लेते हैं, लेकिन जब भी रियल फ्लूइड की बात करेंगे उसमें विस्कोसिटी होगी, दैट मीन्स दैट बाउंड्री लेयर बनेगा, दैट मीन्स दैट रोटेशनल मोशन होगा। ओके, अब नाउ जो बात करेंगे कि ये चीज़ आप सब कुछ जानते हो कि क्या है वेलोसिटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, और ये बाउंड्री लेयर का भी अब तक आपको कंसेप्ट पता चल चुका। अगर नहीं पता तो ये बाउंड्री लेयर है और इसकी ये वेलोसिटी की जो है ग्राफ है, एक्चुअली में बता रहा है कि वेलोसिटी पहले जीरो है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर बाउंड्री लेयर के बाद कॉन्स्टेंट हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखें तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन जो देखें वो फंक्शन होगा प्लेस का। ओके, एक्स वाई जेड का मतलब प्लेस का फंक्शन होगा, स्पेस का फंक्शन होगा। वहीं तो अगर एक वेलोसिटी की बात करें, फ्लूइड की जो नेट वेलोसिटी होगी उसका कंपोनेंट होगा एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, और उसके उसी डायरेक्शन में के लिए हमने यूनिट वेक्टर्स लगाए हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो वी वेक्टर वेलोसिटी आप जानते हो कि जनरली इसी टर्म्स में देता है, कहीं भी न्यूमेरिकल्स में भी दे, यू वी जेड का कुछ हो सकता है इक्वेशन दे दे, कुछ वैल्यू दे दे, यहाँ पे जैसे 4x+3 लिख दे यू की जगह पे, लाइक दैट। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास रोटेशन को, रोटेशन को जो है हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। और रोटेशन होता कितना है? रोटेशन होता है हाफ ऑफ कर्ल वी वेक्टर, वी कर्ल वेक्टर, वी कर्ल वेक्टर, वी बोलते किसको हैं? जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बिटवीन डेल्टा एंड वी, तो इसी को बोलते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर वी, कर्ल ऑफ वेक्टर वी। आपने इसके पहले देखा होगा डाइवर्जेंस कैसे लिखते हैं, तो जब डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं बिटवीन डेल्टा एंड वी तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस वेक्टर वी। और ये जीरो जब होता है दैट मीन्स दैट हम बोलते हैं कि फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो यहाँ पे जब कर्ल वेक्टर वी जो है जीरो की इक्वल होगा दैट मीन्स दैट हम बोलेंगे फ्लो जो है, फ्लूइड जो है इरोटेशनल है, फ्लो जो है इरोटेशनल है, मतलब जो फ्लूइड की फ्लो हो रही है इरोटेशनल फ्लो हो रही है, क्योंकि रोटेशन इतना होता है ओमेगा इज इक्वल टू हाफ और डेल्टा क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर वी। तो जब ये जीरो के बराबर अगर हो जाए तो दैट मीन्स दैट आपका रोटेशन इसमें जीरो हो रहा है, तो इरोटेशनल मोशन हो गया फ्लूइड का, इरोटेशनल फ्लो हो गया। तो ओके, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तो रोटेशन को जो है ओमेगा से डिनोट करते हैं, दो इक्वेशन मैंने लिख रखा है, हाफ ऑफ डेल्टा क्रॉस वी और दोनों वेक्टर्स हैं ना। वो अगर इसको सॉल्व मतलब एक तरीके से कर्ल के टर्म में लिखें तो इसी को तो बोलते हैं कर्ल, इतना डेल्टा क्रॉस को के टर्म को बोलते हैं कर्ल, और यहाँ पे डेल्टा डॉट होता तो इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो रोटेशन इज इक्वल टू आ जाता है हाफ ऑफ कर्ल वेक्टर वी। ओके, अगर निकालना रहे क्रॉस प्रोडक्ट तो ये आपको पता है किससे निकालते हैं, डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। और डेल्टा जो क्या है, डेल्टा जो है ये है ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर? कन्वेक्टिव ऑपरेटर है, जिसको कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा होगा कि कैसे इसकी जो है वैल्यू होती है। तो इसके फाइनल क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ, जो कि हाफ पहले है, तो हाफ ऑफ और इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई जे के जो कि यूनिट फैक्टर्स हैं, और डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, ये किसके लिए? डेल्टा के लिए। और ओके, ये दोनों टर्म्स डेल्टा के आए हैं और यू वी डब्ल्यू जो है वेलोसिटी के टर्म्स आए हैं। ओके, तो आपके पास फाइनली जो अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपने अच्छे से मैथ्स में सीखा होगा 12th में, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी सीखा होगा अच्छे से, तो मैं बता नहीं रहा। अगर इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करें तो कुछ आपके पास
इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो जब इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी दैट मीन्स दैट अगर आप बोलें यहाँ पे आई कैप छूट गया है, यहाँ पे आई कैप होगा, ओके जे कैप है, के कैप है, लाइक दैट। तो फाइनली अगर बोलें तो इसको मैं बोल दूँ रोटेशन इन एक्स डायरेक्शन, पूरी टर्म को इसको रोटेशन इन वाई डायरेक्शन, रोटेशन इन जेड डायरेक्शन, तो आपके पास कुछ इस तरीके का इक्वेशन आ जाएगा। और रोटेशन को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं तो एक्स डायरेक्शन को डब्ल्यू एक्स लिख दिया, वाई डायरेक्शन वाले को डब्ल्यू वाई लिख दिया, और जेड डायरेक्शन वाले को डब्ल्यू नहीं ओमेगा भी बोल सकते हो, ओमेगा ही होता है तो ओमेगा जेड लिख दिया। ओके सॉरी मैंने गलती से डब्ल्यू बोल दिया। तो फाइनली आपके पास रोटेशन की वैल्यू एक्स वाई जेड तीनों में आ गई, ठीक है। अगर फ्लूड ई रोटेशनल है दैट मीन्स दैट वहाँ पे रोटेशन कितना है, जीरो है, दैट मीन्स दैट कि जो मैं बता रखा था कि हाफ ऑफ कर्ल वी क्या होगा, जीरो होगा, दैट मीन्स दैट सिर्फ हाफ को इस साइड में दे जीरो के साइड में, तो कर्ल भी सिर्फ जीरो होगा। तो कहीं भी दिया रहा है कर्ल भी जीरो, दैट मीन्स दैट फ्लूड जो है फ्लो हो रहा है बट ई रोटेशनल उसका फ्लो हो रहा है फ्लूड का। ओके दैट मीन्स दैट एक्स और वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में रोटेशन क्या है, जीरो है, ये बता रखा है। और उसी का मतलब ये भी है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है बिटवीन डेल्टा एंड वी वो जीरो है। तो कोई भी इसमें से टर्म दे आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि इरोटेशनल फ्लो वहाँ पे हो रहा है फ्लूड का। ओके नाउ जो है वोर्टिसिटी को देख लेते हैं। वोर्टिसिटी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि पूछते रहता है जनरली न्यूमेरिकल्स में, एमसीक्यूज में भी आते रहते हैं। तो ये जो वोर्टिसिटी है ये जनरली जो है कि जनरली क्या जो वास्तविक में भी है कि ये जो है रोटेशन से ही रिलेटेड टर्म है। दैट मीन्स दैट ये कितना होता है, ट्वाइस ऑफ रोटेशन होता है। रोटेशन को ओमेगा से डिनोट करते हैं और ट्वाइस ऑफ ओमेगा क्या बोलते हैं, इसको वोर्टिसिटी बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक सिंबल से, इस टाइप के सिंबल से, कुछ ओम जैसा आपको लग रहा होगा, ओम जैसा सिंबल। ओके तो आप याद रखना है वोर्टिसिटी की सिंबल है इन फ्लूइड मैकेनिक्स, यहाँ पे ओम ओम कुछ नहीं है। ओके तो इसको कैसे लिखेंगे, आपको पता है रोटेशन कितना होता है, हाफ ऑफ कर्ल वी यानी कर्ल वेक्टर वी, इसका ट्वाइस करें तो ट्वाइस कितना आ जाएगा, सिर्फ कर्ल वेक्टर वी यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर डेल्टा एंड वेक्टर वी, तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा ही तो होता है वोर्टिसिटी। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितना हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन डेल्टा एंड वी, दैट इज कर्ल ऑफ वेक्टर वी को ही क्या बोलते हैं, वोर्टिसिटी बोलते हैं। ओके अब इसके बारे में एक दो पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इट इज़ अ मैथमेटिकल मेजर ऑफ रोटेशनलिटी एंड इट इज़ ट्वाइस ऑफ रोटेशन। मैथमेटिकल मेजरमेंट होता है रोटेशनलिटी का और ट्वाइस ऑफ रोटेशन होता है ट्वाइस ऑफ ओमेगा जो कि मैं बता रखा था। नाउ जो डायरेक्शन ऑफ वोर्टिसिटी इज सेम एज दैट ऑफ रोटेशन, जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में वोर्टिसिटी कभी उसी डायरेक्शन में वोर्टिसिटी भी होगी। ओके क्योंकि वो सिर्फ ट्वाइस ऑफ ही तो रोटेशन हो रहा है, मैग्नीट्यूड का ही तो सिर्फ चेंज आ रहा है, डायरेक्शन की कोई चेंजिंग नहीं है। नाउ अब सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके के सिंबल से करते हैं। आप ध्यान से इस सिंबल को याद कर लो और लिखने का तरीका भी समझो कुछ इस तरीके के सिंबल से, जैसे मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है। तो बस सर्कुलेशन को इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट कर, कहीं भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा फाइंड आउट दिस सिंबल, तो जान जाना सर्कुलेशन आपसे पूछा हुआ है क्या सर्कुलेशन होगा। ओके तो इसके बारे में पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इट इज़ द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी की लाइन इंटीग्रेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी की लाइन इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज्ड लूप इन द फ्लूइड फ्लो। मतलब कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, चलो मैं डायग्राम के हेल्प से बता देता हूँ। जैसे कि कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है और इसके अंदर हम एक क्लोज्ड लूप कंसिडर करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कंसिडर किया है, तो फ्लूइड की एक्चुअल फ्लो जो है इस भी वेलोसिटी के अलोंग हो रही है, बट हम इस लूप पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी लेंगे इसके अलोंग जो होता है सर्कुलेशन, हम जनरली उसका लाइन इंटीग्रल को बोलते हैं। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी किसके टेंजेंशियल, इस क्लोज सर्कुलर लूप के टेंजेंशियल। तो क्लोज सर्कुलर लूप के टेंजेंशियल यही वेलोसिटी है, तो इसके लाइन इंटीग्रल को क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं। ओके तो वही पहला पॉइंट बता रहा है। नाउ दूसरा पॉइंट जो है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ ऑल्सो मेजर ऑफ रोटेशनलिटी। ये भी ये स्केलर क्वांटिटी है और मेजर है एक तरीके का रोटेशनलिटी का ये भी। नाउ
जो इसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। सर्कुलेशन का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव लेते हैं। नाउ इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द लूप बट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द लूप। इस शेप पे डिपेंड नहीं करता है बट एरिया पे डिपेंड करता है। अभी फॉर्मूला जब आएगा तो मैं वहाँ पे दिखाऊंगा कि रोटेशनलिटी के फॉर्मूला में जो है एरिया का भी मल्टीप्लीकेशन आता है, उसके साथ में चेंज इन पार्शियल वेलोसिटीज कंपोनेंट आता है। ओके, तो एरिया को कंसिडर करता है लूप के, लेकिन ये शेप कौन सा है उसको कंसिडर इसमें नहीं किया जाता। कोई भी शेप का हो लेकिन एरिया मैटर करता है यहाँ पे। तो ओके, तो इस डायग्राम को आपने ऑलरेडी समझ लिया, वी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है और इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखें तो कितनी इसकी वैल्यू हो जाएगी वी वेलोसिटी की। तो अगर थीटा एंगल बना रहा है जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है फ्रॉम दिस वी वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा वी कॉस थीटा। ओके, तो यही तो बता रखा था फर्स्ट टर्म में कि क्या होता है वोर्टिसिटी जो होता है लाइन इंटीग्रल होता है किसका, टेंजेंशियल वेलोसिटी का। तो इसका लाइन इंटीग्रल निकाल दो वी कॉस थीटा और डीएल। नाउ अब आप एक तरह से देख सकते हो कि वी कॉस थीटा डीएल है, तो ये जो है स्केलर फॉर्म में, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना चाहें तो वेक्टर वी डॉट वेक्टर डीएल हम लिखें तो कोई आपको अंतर कोई दिक्कत, क्योंकि यही तो होता है जब इसमें डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वी डीएल कॉस थीटा हो जाएगा। यही तो ये वाली टर्म है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख दें तो कोई दिक्कत। दैट इज़ सर्कुलेशन इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ फैक्टर वी डॉट फैक्टर डी एल। डी एल है फॉर ए स्मॉल लेंथ ऑफ फ्लो कंसिडर कर रहे हैं ना। वो अगर हम एक चीज़ देखें तो अगर ई रोटेशनल फ्लो के लिए देखें तो सबसे पहले ई रोटेशनल फ्लो के लिए रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब ओमेगा जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स दैट वोर्टिसिटी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और कितना होता है, टू ओमेगा। ओके, तो ओमेगा जीरो है, टू ओमेगा भी जीरो, दैट मीन्स दैट वोर्टिसिटी जीरो है, और वोर्टिसिटी जीरो है फिर रोटेशनलिटी जीरो है, दैट मीन्स दैट सर्कुलेशन भी जो आपका जीरो है भी, क्योंकि रोटेशनलिटी का ही तो मेजर होता है सर्कुलेशन। तो ई रोटेशनल फ्लूड के लिए सारा ही जीरो हो जाएगा, वोर्टिसिटी, सर्कुलेशन, रोटेशनलिटी, सब कुछ। अगर ना वो हम जो हमने लूप कंसीडर किया था क्लोज लूप, तो इसको सर्कुलर ना कंसीडर करके अगर रेक्टेंगुलर कंसीडर करें या फिर स्क्वायर कंसीडर करें, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर अगर कंसीडर करें तो ये जो वेलोसिटी यू और वी है, तो एक्स डायरेक्शन में यू और वी डायरेक्शन में वी है, तो यहाँ पे इसके दूसरे वाले साइड पे कुछ थिकनेस आ रही है जो डी एल की वैल्यू है, यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई है। तो अपोजिट वाले साइड पे जो कुछ वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता था होगा तभी तो ये सर्कुलेशन होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे v प्लस का कर्ल v अपॉन में डी एक्स, कर्ल v अपॉन में कर्ल x इंटू डी एक्स, और इधर जो है u में जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो है u प्लस कर्ल u अपॉन में कर्ल y डी वाई। और इसका जो सर्कुलेशन हम कंसीडर अब देख रहे हैं, जैसे कि इस डायरेक्शन में इंक्रीमेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका जो सर्कुलेशन होगा ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। मतलब जो सर्कुलेशन ए बी सी डी की आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो सर्कुलेशन ए बी सी डी पूरी शेप की निकालनी है तो आपको अलग अलग साइड्स की निकालनी पड़ेगी, मतलब कि समेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ए बी बी सी सी डी और डी ए। तो यही मैंने यहाँ पे किया है, चारों साइड्स के अबाउट सर्कुलेशन का समेशन आ जाएगा ए बी सी डी, पूरे लूप के अबाउट कितने सर्कुलेशन आ रही है उसकी वैल्यू। तो अगर हम जनरली वहीं करें सेम वहीं फिर फार्मूला लगाएं, इसके लिए भी इसके लिए भी क्या चीज़, लाइन इंटीग्रल का फार्मूला लगाएं, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ सबका समेशन निकालें फाइनली, तो आपके पास इसको तोड़ोगे तो कट पिटा के आपके पास फाइनली कट कट के फाइनली जो बचेगा, दैट इज चेंज इन पार्शियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज इनटू एरिया। तो यहाँ पे चेंज इन वाई डायरेक्शन क्या है, दैट इज कर्ल वी अपॉन में कर्ल एक्स डी कर्ल एक्स माइनस का कर्ल यू अपॉन में कर्ल वाई, ये बचेगा। ये चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समझा नहीं रहा क्योंकि बहुत ही आसान है, इजी है कैसे मैंने कैलकुलेट किया है, क्योंकि ऊपर फॉर्मूला बता दिया है कैसे लिखा है। ओके, और डी एक्स डी वाई, तो फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन इज़ चेंज इन वेलोसिटी कंपोनेंट दैट इज़
पार्शियली चेंज इन वेलोसिटी कंपोनेंट इनटू में एरिया, तभी तो बोल रहा हूँ कि शेप पे नहीं डिपेंड करेगा लेकिन एरिया पे डिपेंड करेगा। जितना एरिया इंक्रीज होने से जितनी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ रही है, नेट वेलोसिटी इंक्रीमेंट हो रहा है, उसी को तो सर्कुलेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे और एक चीज़ जान लो, वेलोसिटी इंक्रीमेंट को क्या बोलते हैं, वोर्टिसिटी बोलते हैं, और इसको वोर्टिसिटी इनटू एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, सर्कुलेशन हो जाएगा। ओके, तो आप इस फॉर्मूला को भी याद रखना कि वोर्टिसिटी आपके को दिया हुआ है, फिर आपने निकाला है रोटेशन से, और उसके बाद एरिया बता रखा है, फिर शेप बता रखा है, उसकी जो है लेंथ ब्रेथ बता रखी है। अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो वहाँ से एरिया निकाल लोगे और फिर उसको वोर्टिसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास सर्कुलेशन आ जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आते होते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्पेशली यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन जा सके। आजकल के जो फोन आ रहे हैं उसके जो है कि सेटिंग में जाके जो है नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ता है। जैसे ही आप नोटिफिकेशन बटन दबाओगे आपको तुरंत सेटिंग में लॉन्च कर देगा, तो वहाँ पे ऑन करना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन आया ना आए। ओके, थैंक यू।